स्वागत है आपका, मैं हूं आरती। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में कई बड़े दिग्गज अपना चुनाव हार गए हैं। इनमें कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और कैप्टन अभिमन्यु, जो कि खट्टर सरकार में वित्त मंत्री थे, वो भी अपना चुनाव हार गए हैं। अमीन जी, क्या क्या अपडेट है इसके लेके? कैप्टन अभिमन्यु के बारे में कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ जो जेजेपी के रामकुमार गौतम थे, वो काफ़ी बड़ी लीड लिए हुए थे और कम से कम कहा जा रहा है कि 5000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। उसी तरह जो है लीला राम बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कैथल में रणदीप सुरजेवाला को उन्होंने 567 वोटों से हराया है। यह एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि रणदीप सुरजेवाला जो है नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के और एक हरियाणा में दिग्गज नेता माने जाते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी वो एक विधानसभा के उपचुनाव हार चुके हैं, जिसमें जो है राहुल गांधी की टीम ये चाह रही थी कि इस बार जो है हुड्डा की जगह जो है रणदीप सुरजेवाला को जो सीएम का जो है फेस चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन उस वक्त भी उनके अरमानों की जो वो हो गया और इस वक्त भी वो हार गए। जींद उपचुनाव में किस सीट से जब उन्हें चुनाव लड़ाया था तब वो हार गए थे और उस वक्त बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सुरजेवाला कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन, एक बहुत बड़ा चेहरा है और लगातार अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब जींद उपचुनाव हारे थे वो, और उसके बाद ये फिर से, यानी उन्होंने ग्राउंड वर्क कुछ काम नहीं किया। नहीं यार, करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब यही बात होती है कि जब एक राजनेता का जनता से कनेक्ट जब दूरी बन जाती है, तो दूरी जो है जब रिजल्ट देती है तो ऐसे ही रिजल्ट आता है। आप देखिए कि ओम प्रकाश धनखड़ जो है बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर हैं लोकल स्तर पे, अगर देखा जाए स्टेट में, और जो बादली से वो चुनाव हार गए हैं, राज्य मंत्री थे। इसके बाद योगेश्वर दत्त एक फेम है, ठीक है वो एक दूसरे फील्ड से आए हुए थे, लेकिन बीजेपी का एक मानना था कि जो है जो फेस चेहरा है वो जो है जीत दिलाते हैं, लेकिन ऐसा बड़ौत में ऐसा हो ना सका और जनता जो है किसी दूसरे को जीता दे गई। इसी तरह टिकटॉक एक स्टार हैं, वो भी हार गई, कुलदीप बिश्नोई के सामने थी, चूंकि हाँ वो एक हैवी वेट उम्मीदवार थे कुलदीप बिश्नोई। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के या कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैवीवेट उम्मीदवार थे, उनको काफी निराशा इस चुनाव में हार लगी और जनता ने काफी जो है वो चोट पहुंचाई है। लेकिन जहां तक ओपी धनखड़ की बात है, कहा ये जा रहा है कि ओपी धनखड़ 2014 में जब चुनाव हुए थे तब भी वो इसी सीट से महज 11,000 वोटों से जीत पाए थे, यानी ये काफ़ी मुश्किल सीट थी पिछले बार भी, जबकि मोदी की लहर उस वक्त बहुत ज़बरदस्त चल रही थी हरियाणा में भी, और लगभग हर चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी काफ़ी दम के साथ वापसी करती है, लेकिन इनको अपनी सीट गंवानी पड़ी। क्या लग रहा है? एक तरह से देखा जाए तो अभी भी जब कोई भी राजनीतिक विश्लेषक जो है जब भी चुनाव ग्राउंड पे जब चुनाव हो रहे थे और जनता से लोग बातचीत कर रहे थे, तो उसमें लग रहा था कि बीजेपी जो है हमेशा से दोनों महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों में इस चुनाव को नेशनल स्तर का उसने बनाया, इसलिए नेशनल स्तर का बनाया कि वो लोकल स्तर पे वो चुनाव का जवाब नहीं दे पा रही थी, इसलिए उसके पास 370 था, कश्मीर था, उसके पास पाकिस्तान था, ये इसी मुद्दों पे वो जो है अपने आप को घेरती रही। जबकि बीजेपी को ग्राउंड पे होना चाहिए जहाँ बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और मुझे लगता है, मुझे ही नहीं लगता, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस चुनाव को कवर किए, उनका मानना है कि बीजेपी को अगर हरियाणा में जो हार मिली है वो सबसे बड़ा कारण जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, ये एक बड़ा मुद्दा बन के लोकल स्तर पे जो है बीजेपी को हराने में कामयाब हुआ और कांग्रेस यहाँ पे कुछ नहीं कर पाई, चाहे यहाँ पे कहें चाहे जो है महाराष्ट्र में कहें। बीजेपी का एक कोर वोटर के साथ साथ उसके लीडर्स जो है मतलब कि रन करते रहे, लेकिन कांग्रेस जो है हरियाणा में जो है एक बड़ा बेहतरीन लीडर नहीं दे सकी जिसके पीछे जो है जनता आ सके, लेकिन फिर भी नाराजगी। हाँ बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल सर पे आ गए थे, उसके बाद कांग्रेस ने कई बदलाव किए हरियाणा में, जब सोनिया गांधी ने अपना अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला उसके बाद से कई बदलाव किए गए, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चूक गई, इसमें देरी कर गई, क्योंकि बीजेपी ने बहुत पहले से ही शुरुआत कर दी थी और अपना पूरा जोर लगाना, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, दोनों ही स्टेट में उसने अपना पूरा जोर लगाया। लेकिन अमीन जी, इसमें एक और चीज़ है कि अभी बीच में खबर आई थी कि कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ है, एक राहुल कैंप चलता है, एक सोनिया गांधी का कैंप चलता है, तो हरियाणा का जो चुनाव के नतीजे जो अभी सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से राहुल के कैंप पर सोनिया गांधी का कैंप भारी दिख रहा है।
हाँ, रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी, राहुल गांधी कहते। और दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि जो इससे पहले पूर्व अध्यक्ष थे तंवर जी, वो जो है राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे। ये कहा जा रहा दीपेंद्र हुड्डा युवाओं की टीम बनेगी, एक तरह से प्रोपेगेंडा किया गया कि युवाओं के साथ जो है राहुल गांधी कनेक्ट करेंगे और अपने पुराने जो पुराने कांग्रेसी है उनके साथ एक तालमेल करके एक नई टीम बना के जो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो सोनिया गांधी की टीम जो है काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें ये भी आप देखिए कि जो वहाँ के अच्छे लीडर हैं, जो पुराने लीडर हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा के पिताजी हों या दो और तीन लीडर है कुलदीप बिश्नोई हो, ये सभी ने अच्छा जो है परफॉर्म किया है। और एक तरह से कांग्रेस जो है इनके कंधों के बलबूते जो एक तरफा, अभी आप देखिए कि सुबह से लेकर जितने भी राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने थोड़ी बहुत हुड्डा पे विश्वास जताने में देर कर दी, नहीं तो इसका रिजल्ट जो है 50 से ऊपर सीट का होता, हो सकता क्योंकि लोगों में नाराजगी थी और एक ऑप्शन तलाश कर रहे थे और कांग्रेस अपने आप को उस ऑप्शन के तौर पर पेश नहीं कर पाई। यही वजह कि कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ गई, नहीं तो उसके लिए हरियाणा में सरकार बनाना उतना मुश्किल नहीं होता। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला, जो कि राहुल गांधी के कैंप के माने जाते हैं, वो भी चुनाव हार गए। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व हरियाणा में पूर्व वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला चुनाव हार गए हैं।